टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर टू, रिलेशंस एंड फंक्शंस। पीडीएफ बच्चे मैं बाद में भेज देता हूं। फ्रॉम एमएल अग्रवाल फॉर क्लास 11 फॉर आईएएस। जो पहली एक्सरसाइज है वो तो बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले बच्चे ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑर्डर्ड पेयर। टोटली रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है ये, पहली एक्सरसाइज को छोड़ के। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे ए बी। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट मेंबर, बी क्या है? सेकेंड, ऐसे जितने मर्जी हो सकते, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी मीन्स दो पेयर हैं ए बी और दूसरा है सी डी, अगर ये इक्वल हैं। कब इक्वल होंगे? अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। इसमें बच्चे आगे पीछे नहीं करना, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है कुछ, इन्होंने रिमार्क्स दिए हुए हैं, इनको लर्न करना सीख लो कि ये चीजें, मतलब रिमार्क, द वर्ड ऑर्डर इंप्लाइज दैट द ऑर्डर इन विच द टू एलिमेंट ऑफ द पेयर अकर। ऑर्डर मतलब पहले वाला पहले, सेकंड वाला सेकंड, ऐसे इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव ए सॉक एंड ए शूज, द ऑर्डर इन विच दे आर पुट ऑन मैटर, इन फैक्ट देर आर साइमल्टेनियस सिचुएशन, सॉरी, इन विच ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। द ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अनलेस, ये दोनों डिफरेंट कब तक है? अगर ए और बी इक्वल होंगे तब ये इक्वल है, अदरवाइज ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट है दोनों। द टू कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे बी इक्वल, ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, नॉट दैट ए बी नॉट इक्वल टू, यहां पे बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट है, यहां राउंड ब्रैकेट है, बिकॉज ए बी इज अ सेट। कर्ली ब्रैकेट में हमेशा हम सेट को लेते हैं और ऑर्डर पेयर को राउंड ब्रैकेट, समझ गए? ये चीज अपने दिमाग में सर बिठा लो, जहां पे भी कर्ली ब्रैकेट आ गया वो क्या है? सेट है, और जो राउंड ब्रैकेट है वो ऑर्डर पेयर है। हाँ जी सर, जैसे आपने बोलिए। बोला सर दो पेयर्स तब इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट्स इक्वालिटी होल्ड करेंगे, तो सर वो हाँ जो जी, देखो इक्वालिटी वो होल्ड कर रहे हैं वो मतलब जैसे वो किसको एक बिलोंग कर मिनट, रहे हैं, अभी नेचुरल नंबर वगैरह उसमें? एक चीज, वो सारा कुछ आ जाएगा, कोई बात। सेट के अंदर क्या होता है? मान लो 1 2 है, इसको मैंने 2 1 लिख दिया, तो दैट इज अ सेम थिंग। बट ऑर्डर पेयर में 1 2, इसको मैं 2 1 लिख दूंगा तो ये इक्वल नहीं है, पहले वाला पहले के, मतलब 1 2 तो 1 2 ही होना चाहिए उसमें भी, समझ गए? यस सर, अंडरस्टूड। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अब पेयर नहीं बोल रहा, सेट बोल रहा हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लो ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 6, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? हमारे पास ए इंटू बी, मतलब ऑर्डर पेयर लिखने हैं अब इसके, 1 को सारे सबके साथ 1 4, फिर 1 6,
ठीक है, फिर 2 4, 2 6, फिर 3 4, 3 6, दिस वन, आया समझ? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए अनलेस ए बी के इक्वल है, तो ये होल्ड करेगा कम्यूटेटिव। अगर ये इक्वल, अनलेस का मतलब अगर ये होल्ड इक्वल है तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ऑलवेज नॉट इक्वल टू होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का पहले पोजिशन पे लेना है और सेकंड का सेकंड में, और मैंने पहले बोला है 1 4 एंड 4 1 आर डिफरेंट, 1 2 एंड 2 1 आर डिफरेंट ना। वैसे ही अगर मैं बी इंटू ए फाइंड करता यहाँ पे, तो वो क्या आता हमारे पास बताइए, सॉरी राउंड में, 4 1 फोर वन 4 2 4 3, फिर 6 1 6 2 6 3, ऐसे आने थे ना बच्चे हमारे पास, बताइए। भैया। मतलब ये दोनों इक्वल है? नहीं, 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1, 1 6 इज नॉट इक्वल टू 6 1, समझ गए? रिमार्क्स तो वैसे आप अपने आप रीड कर लेना, कुछ नहीं है इसमें खास। उन्होंने सिंपल, मैं यहाँ पे बता देकर दिखा देता हूँ क्या लिखा है। ए इंटू बी इज एम्प्टी सेट व्हेन वन और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट, चाहे तो दोनों चाहे एक, दोनों में से मान लो अगर यहाँ पे बी एम्प्टी सेट होता तो कोई ऑर्डर पेयर बनना ही नहीं था, क्या बन जाता? नहीं बनना था। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 5, अगर दोनों में से दोनों के दोनों एम्प्टी सेट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट कभी नहीं हो सकता ए इंटू बी। उसके बाद ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, देन एन इन ए इंटू बी मतलब कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसका मतलब कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, एन ए इंटू एन बी, जितने उसके एलिमेंट है जितने उसके एलिमेंट है, याद रखिए ये चीज, एन ए इंटू बी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल, यहाँ पे ए में कितने थे 3, बी में कितने थे 2, तो एन ए इंटू एन बी कितने, 3 इंटू 2 6 ही बने हैं ना, देखो 6 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्डर पेयर आ रही है, ये याद रखना बच्चे। एक चीज और, एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एन बी इंटू ए, हमने अभी एग्जाम्पल किया है, बी इंटू ए भी फाइंड किया था ना उसी उन्हीं दो सेट्स के लिए, 1 2 3 4 5, इसमें भी 6 है, मतलब ऑर्डर पेयर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, आगे समझ लग गया पता बच्चे? पहली यस सर, एक्सरसाइज के अंदर यही कुछ ही है, बहुत इजी है, एक्सरसाइज 2.1, कोई बात नहीं, 3 या 4 दिन में हम कोशिश करेंगे ये खत्म हो जाए, ओके? एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट सम, वेरी श्योर आंसर टाइप क्वेश्चन, यहां पे देखिए, फाइंड ए एंड बी इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर की इक्वल हो। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है ए प्लस वन बी माइनस टू इज इक्वल टू 3 1, तो यहां पे आद्या दोनों में इक्वल यस इक्वल लिखा सर। हुआ है ना, तो मींस क्या क्या करेंगे हम सर ए बताइए। प्लस हियर 1 इज इक्वल्स टू 3। मतलब एक टाइप से जैसे कंपेयर करते हैं उसी टाइप से, ए प्लस वन यस इज इक्वल टू सर। 3 एंड बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब फिर बच्चों सर वाले ए सामने इज ना, ये टू इक्वल्स आ टू, गया, यस सर, बी और वन सर वो प्लस भी आ टू जाएगा 3 आ गया, हो गया, सर, समझ गए बस बच्चे? हाँ, इसका मैं एक फोर्थ पार्ट सेकंड पार्ट करूंगी, सेकंड तो हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा वैसे तो। फोर्थ पार्ट हमें अदिति
यस सर। थ्री बी माइनस टू ये दिया है बेटा, 7 माइनस 5। यहां बताइए क्या करें, सर क्या ए ए प्लस प्लस बी बी इज इज इक्वल इक्वल टू टू 7, एंड 3b-2 = -5। यस। देखो यहां से दोनों की वैल्यू नहीं पता है, पर यहां से बी की वैल्यू निकल सकती है ना। 3b इज इक्वल टू, यस सर। -5 + 2 थ्री बी इज इक्वल टू -3 एंड बी इज इक्वल टू -1 -1। यहां पे जो बी की वैल्यू, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट लिख के यहां पे प्रॉपर पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस -1 इज इक्वल टू 7। ए की वैल्यू अदिति 7 + 8 1 = 8। 8, ए की वैल्यू 8 आ गई और बी की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, -1। -1 ये हमारा आंसर आ गया, हो जाएगा बेटा ये। हाँ यस सर। अब सेकंड सम, फाइंड एक्स एंड वाई इफ दिस इज गो टू दिस, दिस इज गो टू दिस, सेम सेम फोर है एक्स एक्स की, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। ठीक है, थर्ड सम, इफ द ऑर्डर पेयर दिस एंड दिस बिलोंग टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ जी, थर्ड सम, अंशिका, सर। थर्ड सम कैसे करेंगे हम, a-1 एंड 5b बिलोंग्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x-3, वाई 2x-3 के इक्वल है। हाँ जी, a-1 a-1 किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई ना, यस सर। जैसे दिया है क्वेश्चन में वही लिख रहा हूं बेटा, सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x-3। हाँ जी, तो क्या होगा इसका मतलब, सर इसका मतलब ये है कि जो ए और -1 है वो एक्स वाई को बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब उनकी वैल्यू वो है। a x-1 y, मतलब y यस की सर। वैल्यू -1 है, x की वैल्यू और a है, एक्सप्लेन। इस इक्वेशन में यस सर। फिल कर दो, y इज इक्वल टू 2x-3 ना, तो y के प्लेस सर। पे -1 टू -1 2a-3 -1 + 3 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, टू अपॉन वन। टू 1 आ गई, आ गई। यस सर। अब बी की वैल्यू कैसे फाइंड करें, फाइव सर बी आल्सो किसकी, बिलोंग टू ना। एक्सक्यूज हाँ जी बेटा, सर, मुझे समझ नहीं आया कि वाई के प्लेस पे -1 क्यों लिखा है। ये अच्छा, देखो बेटा, आ गया सॉरी सर। अब दूसरा बच्चे मैं यहीं पे लिख देता हूं, दूसरा हमें दिया है 5b, किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। अभी यस सर। सेम यहां पे क्या क्या लिखूं, फिर b, y के प्लेस पे b आ जाएगा, यस टू सर। x के प्लेस पे फाइव, सो 2 × 2 b की वैल्यू 10-3, b कितना आ 7। गया, 7 आ गया। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ ना आई हो कि ऐसे कैसे कर दिया, बोलो सर जल्दी से मुझे जिया को, जिया यहाँ देखो बेटा, बोलो a-1 है ना, क्या हाँ जी उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, बिलोंग्स टू दिस, जो ये दोनों पेयर हैं ये इसको बिलोंग करते हैं, मतलब पहले मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, a के प्लेस पे x -1 y, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई बच्चे फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए
ए और बी की वाई की वैल्यू -1, माइनस वन। इसी क्वेश्चन में फिल कर दो। बस वही किया बेटा मैंने, ये दूसरा पार्ट था ना, पहला पार्ट ठीक है सर, मैंने ठीक यहाँ है पे। सर, समझ गई मैम। अच्छा पार्टी, तेरे को समझ आ गया? सर आ जाइए यहाँ मेरे पास, फिर दूंगी मैं। अच्छा चलो, दूर बहुत है। जलंधर तो मैं एक बार गया था। जलंधर, तू जलंधर से ही है ना? जिया नेड़े सर हाँ जी, बस नेड़े नेड़े हूँ। नेड़े है कहाँ? खन्ना सर खन्ना साइड। साइड। जलंधर, जलंधर तो मैं लाइफ में एक बार गया हूँ बस। सर फिर से आ जाओ सर, वहां से आपको पिकअप करने आ जाएंगे, कोई नहीं आवाज। अच्छा कोई बात नहीं, तेरे पास तो आता हूँ मैं। सर अरे सर आ जाओ, सर आपने आपने वैसे कहा था कहा पेपरों में, पेपरों में कि मार्क्स आएंगे तो आऊंगा, सर आए नहीं आपके भी, बुरी बात। तो तूने मार्क्स 100 लिए ही ना नहीं। ओहो सर, वो तो आईफोन की शर्त थी ना सर, वो हाँ फिर आईफोन लेने ही आना था ना। तो चल अभी आ रहा है। कोई बात नहीं सर, जाने दे, फिर आऊंगा ठीक ये क्या सर, है, ऐसे मैं बोल देता हूँ कि आ गया। फिर देना पड़ेगा। सर कोई नहीं, आ जाओ आप। आ जाऊंगा बेटा। ए सर माइनस इन्ना वन वाला जीरो आंसर वन एक बार फिर जो, एक मिनट बेटा। सारिका, सारिका भाग गई। चलो सर यहाँ नजर तो आ नहीं रही है। चली गई, 10th में है वो। हाँ जी, ए दिया है, बी दिया है, उन्होंने राइट द फॉलोइंग। अंशिका के पास वृंदा, यस उन्होंने ए इंटू बी फाइंड करने के लिए बोला है बेटा, क्या आएगा? सर, -1.3 कॉमा -1.5 कॉमा जीरो -6 सॉरी 0.3 सिक्स, 0.5 कहाँ से आ गया है? 0.5 1.3 वन वन कॉमा कॉमा फाइव फाइव सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड यस पार्ट यस यस सर, 3 3 3 5, 5 3 5 5, 4 पार्ट होंगे ठीक है। अब फिफ्थ सम, इफ्रा, यस सर, कोलकाता है कि कल जाना है कोलकाता? सर मैं कोलकाता में। कोलकाता में ही है। यस सर, चलो वेरी गुड। इफ ए इज अ सेट सच दैट ऑर्डर पेयर ऑफ ए इज 3, ऑर्डर पेयर एंड बी इज दिस वन। ऑर्डर पेयर ऑफ ए दिया हुआ है और बी हमें ये सेट दिया है 3 4 5, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू बी? मतलब फिफ्थ में एन ए गिवन है हमें 3, एंड बी सेट हमें दिया हुआ है 3 4 5, और हमने उन्होंने पूछा क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इनटू बी, किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बी तो इफ्रा, नहीं। नंबर ऑफ यस एलिमेंट इन सर, ए, सर 3 into 3 हाँ 9। बड़े सर अब्दू का प्लान, 9। दिस इज आंसर, ये हमारा फिफ्थ सम का आंसर आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो ये? हाँ सर ए में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, 3 है ना बेटा, ये एन दिया ओके हुआ है सर, ना, ऑर्डर पेयर ऑफ ए कितना है? 3 है, 3 एलिमेंट है, मतलब इसका मतलब ओके सर, समझे, ओके यस नंबर ऑफ सर, एलिमेंट इन ए 3, एंड बी यहाँ पे अगर निकालना है एन बी कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 3 है ना, तो इसमें यस कितने सर, एलिमेंट्स होंगे ए इंटू बी में?
इंटू नाइन थ्री 9 हो जाएंगे। यस सर समझ गए। यस अब सर इसके बाद, इफ्रा के बाद हमारी भूतनी आ गई। भूतनी, यस सर वैसे तू ये तो इजीली कर लेगी, है ना? हाँ ए की जी मैंने, सर, बी वही की मैंने। -3 -1, फिर उसके बाद -3, 0, -3, 1, -3, 2, -3, 3, फिर उसके बाद -1 से शुरू हो जाए ऐसे ऐसे ही। यस बी को पहले लिख देना, ए को बाद में लिख देना, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, हो जाएंगे ना? सर अब 7 सम में उन्होंने कुछ डिफरेंट पूछ दिया। अपशिता, ए गिवन है 1 2, बी गिवन है 3 4, देन हाउ मेनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव? सबसेट कितने होंगे ए इंटू बी के? 6 सम, सर मैं बताऊं, सेवन सम, सॉरी, नहीं 1 मिनट, ना बिल्कुल भी नहीं। 1 2 है बेटा, बी में 3 4 है, देन हाउ मेनी सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हमने फाइंड करनी है, किसमें? ए इंटू बी में। हाँ जी बताओ। सर ये पेयर तो है नहीं है, तो फिर इसमें वो NA into NB तो लगेगा नहीं क्यों? सर। सर हमने पढ़ा था ना सर, जो पेयर होता है सर वो राउंड ब्रैकेट में होता है। सो मैं बताऊं, एक सेकेंड बेटा, मैंने ये चीज मेरे को लगता है बताई नहीं है ना। हाँ जी, कौन कह रहा था बताऊं? मैं मैं, स्तुति यस सर। बता। सो पहले A into B कर लेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर जो उसका कार्डिनल नंबर होगा जो आएगा उसको 2 की पावर करके निकाल लेंगे। बच्चे, हमें सबसेट इसके ऑर्डर पेयर फाइंड करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर चाहिए हमें। ए में कितने एलिमेंट हैं स्तुति? सर 2 एलिमेंट्स, एंड बी में कितने हैं? सर 2 एलिमेंट्स, तो एन ए इंटू बी कितना हो A into गया? B, सर 4 एलिमेंट्स, 4 आ गया ना, क्योंकि एन ए इंटू बी एन ए इंटू एन बी होता है, यस सर 2 into 2, दैट इज 4। तो सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, सर 2 की पावर 4, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं पहले। वेरी सर 2 की पावर n, गुड। टू अब की ए इंटू पावर n बी में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब टोटल 4 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी इज 2 raised to power n a into b। समझ गए बच्चे? समझ आया? सर। यस आई गॉट इट 2 की पावर, ये वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 4 निकाली है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना बन गया? 16। सिक्सटीन 32, हाय हाय, किसने? स्तुति, सॉरी सर, सॉरी सर, सो सॉरी मार्क्स लेने नहीं है ना तूने? तो गलती हो गई। नंबर भी गलत हो जाएंगे ना फिर। 8 सम बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है देखो। एक्स बिलोंग टू, किसको बिलोंग कर रहा है? 2 3 5 को। वाई किसको बिलोंग कर रहा है? 2 4 6 को। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। सिर्फ वो वाले लिखने हैं जहां पे एक्स वाई से लेस है। तो चलो इप्सिता, तेरी टर्न आई नहीं अभी तक। एक्स बिलोंग टू 2 3 5 एंड वाई बिलोंग्स टू 2 4 6। यहाँ पे भी करली ब्रैकेट है, राउंड नहीं है यार, दिमाग खराब करके इसने छोटे छोटे डाल रखे हैं, ऐसे लगता है राउंड ब्रैकेट ही है। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं इप्सिता,
एक्स वाई, वेयर एक्स इज लेस देन वाई। तो बताइए बच्चे कौन कौन से होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे ना बच्चे मुझे ये बता, नंबर ऑफ पूछ नहीं पूछे उन्होंने, सर? नहीं, उन्होंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ थोड़ी होता है उसमें नंबर ही होता है। शायद। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट वो तो सारे आ जाएंगे, बट ये कंडीशन वाले भी लिखने हैं हमने, सिर्फ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें बेटा। और सर यहाँ पे एक्स और वाई सर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एन डाला हुआ है आगे भी नहीं नहीं है सर, मोटी, नहीं फिर सर, या उन्होंने नंबर भी नहीं पूछा। फिर से क्वेश्चन देख ले, वैसे तेरे पास बुक है। एक्स बिलोंग टू 235, यस वाई बिलोंग टू 246। सर, फॉर्म द सेट ऑफ यस ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, मतलब पहली पोजिशन पे एक्स, सेकंड पे वाई, सच दैट एक्स लेस देन वाई। नंबर नहीं पूछा, ऑर्डर तो पेयर लिखने हमने। सर फिर वही हो जाएगा सर, 2,2 पहला आ क्यों जाएगा। एक्स वाई से लेस होना चाहिए, टू तो टू के इक्वल है, टू सर ऐसे तो फोर होगा बनेगा ही पहला, नहीं दूसरा 2 6 बनेगा, फिर 3 2 नहीं है, सर। 3 4 होगा, 3 6 होगा, फिर 5 2 नहीं, 5 4 नहीं, 5 6 फाइव होगा। सिक्स मतलब हमने सिर्फ वो वाले लिखने हैं बेटा, ऑर्डर पेयर जो हो जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। समझे मेरी बात क्या? यस सर। नहीं समझे सर 2,2 क्यों समझ बोलो। आ गया सर? 2 2 में इक्वल हो गए ना बेटा, एक्स मतलब सर हमने टू टू टू, यही कह रही है ना, टू तो जिया, हाँ जी सर, 2 2 से लेस है, एक्स लेस देन वाई कंडीशन दी है ठीक ना, है ये सर। टू टू से लेस है नहीं ना, इसलिए 2 2 नहीं आएगा। हमने सिर्फ यहाँ पे मैंने ये क्यों नहीं लिया, 3 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 2 से नहीं लेस, 5 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 2 से लेस नहीं है, 5 4 से लेस नहीं है, 5 6 से लेस है, हाँ इसलिए वो लिया है। समझ गए हाँ जी आई सर, समझ के? नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाता है क्वेश्चन 9। 9 बताएगा ईशित्व यस चौरसिया जी, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो उन्होंने क्या लिखा है, एक्स बिलोंग टू -1 2 3 4 5, y belong to 0 3 6, form the set of all ordered pair x y such that x plus सर। y is 5। नाइन्थ में x belongs to -1 2 3 4 5 और y में y belongs to 0 3 6, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सेट लिखना है तो एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो सारे सेट, मतलब वो सेट लिखना है हमें, क्या ओके आएंगे? सर। सर पहले ध्यान में आ रहा है -1 और 6 रहेगा। देखो माइनस माइनस वन को सबके साथ करके देखो बेटा, माइंड में कर अच्छा लो, अच्छा -1 1 प्लस 0 5 की इक्वल है, नहीं नहीं -1 प्लस 3 -1 प्लस 6, ये इक्वल है। क्योंकि उन्होंने सेट लिखा है इसलिए करली ब्रैकेट में, -1 6। दूसरा फिर 2 को आ जाओ, 2 0 नहीं, 2 3 है, है सर 2 3। 2 6 नहीं है, 3 0 नहीं है, 3 3 नहीं है, 3 6 नहीं है, ओनली फोर 5 जीरो नहीं है, 5 0 होगा बेटा, ओनली 5 तो आ ही नहीं सकता, पेयर में लिखना है दिस वन। ये तीन सेट ही बन, तीन ऑर्डर पेयर ही बनेंगे ना जो इस कंडीशन को यस सर सेटिस्फाई कर तीन ही रही हैं, बनेंगे। बस हो गया फिर, समझे?
यस नेक्स्ट सम सर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कौन करवाएगा? हमारी स्तुति, इस स्तुति, यस स्तुति, सर, यस हाँ सर। तेरा नाम तुती रख देंगे, देख ले। टू थ्री फोर, एक्स में ये एलिमेंट है, वाई में, वाई बिलोंग्स टू 4, 6, 9, 10। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई के पेयर लिखनी है सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। सेट बोला है ना उन्होंने, हाँ सेट बोला हुआ है, तो ऐसे करली ब्रैकेट लिख के। हाँ जी, पहला पेयर बताओ जी। सर पहला पेयर होगा 2 4, टू इज अ फैक्टर ऑफ फोर, यस। फिर 2 6 का फैक्टर है, नो यस। सर, यस सर, सॉरी सर। सर फिर टू 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 टेन 9 का नहीं है, 2 10 का है, मतलब लाइन सर वाइज शुरू हो। फिर 3 4 का नहीं है, 3 6 का है। फिर 3 6 सर, 3 9 सर, फिर 4 4 का है, और किसी का है? सर बस खत्म। ये आ गया बेटा, समझ आया? ऐसे बीच में कॉमा जरूर डाल देना कहीं। जी हाँ, समझ आ गया सर हाँ जी? आ जी, पक्का? मैं शायद किचन में चली गई, इतनी लेट बोली है। सर 11 सम, हाँ जी। सर ये इसमें एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। फैक्टर का मीनिंग पता है ना बेटा? यस सर, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, है ना? डिविजिबल है। अब देखो, 2x, पहला x है, ये y है। 2 ऑर्डर पेयर 2 4, 2 6, 2 9, 2 10 बन रहे हैं, पर हमने सारे तो लिखने नहीं। उन्होंने क्या बोला है? सिर्फ वो वाले लिखने हैं जहां पे x y का फैक्टर हो। समझे ओके सर, बच्चे? ओके, यस सर। बताइए फिर। देखो, 2 4 का फैक्टर है, 2 4 को पूरा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं करता? यस सर, करता है ना, इसलिए 2 4 आएगा। ओके सर। फिर 2 को 6 के साथ देखो, यस ये भी है। 2 9, 2 9 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, नो नहीं करता ना, सर, इसलिए नहीं लिया। यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वही लिखने हैं हमने। ओके सर, अब इलेवन समझ सम, गई सर। जिया। सर हाँ जी, 11 सम में हमें क्या दिया है? देखो, स्टेट सर ट्रू फॉल्स ब्रदर, बताना है, क्या ट्रू फॉल्स बताना है सर। हाँ, फिर क्या मैंने करेंगे? फर्स्ट टू पहले ही कर लिए सर, मैं बताऊं? जिया नहीं बतानी है, हाँ जी सर। सर जो फर्स्ट वाला है वो सेट फॉल्स है। रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, करेक्टली भी लिखना है। पी एम एन क्यू एन एम, पी इंटू क्यू दिस होगा, एम नहीं एन सर, एन एम एम एन भी एम, आएगा मतलब और एन इसको करेक्ट लिखना है एन। तो हाँ पी जी इंटू सर, क्यू, ये एलिमेंट तो लिखने ही लिखने हैं, बाकी भी लिख देने हैं। सेकेंड, हाँ जी सर। ए एंड सर बी आर सेकंड नॉन फॉल्स एम्प्टी सेट। आएगा। ये चीज बता, एक मिनट। ए एंड बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ठीक है। सच दैट एक्स है जो एक्स वो बिलोंग बिलोंग टू करेगी ए बी, को, और जो वाई है बिलोंग करेगी, वाई बिलोंग बी को करेगा बी को। हाँ जी करेगी, करेगा। थर्ड, मैं सोच रही थी, मैं बोल रही थी ना। हाँ जी थर्ड सर ट्रू, तो हाँ सेकंड मुझे सर, मैं समझ तो सेकंड में नहीं आया। समझ आया। समझ तो भी नहीं क्यों आया। ले, अभी कर देते हैं। 11th का सेकंड पार्ट बेटा, उन्होंने लिखा है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए डज नॉट बिलोंग टू फाई। मतलब यही हुआ ना कि फाई को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कुछ और एलिमेंट्स हैं।
बी डज नॉट बिलोंग टू फाइव, बी भी एम्प्टी सेट नहीं है, समझ गए? देन ए इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ए इंटू बी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू ए। ए किसको बिलोंग कर रहा है? अच्छा पहली पोजीशन पे पहले का एलिमेंट आता है, दूसरी पे दूसरे का आता है, ना? ए इंटू बी में क्या होता है मुझे ये बताओ, पहले क्या होता सर आ गया है? समझ। तो ये तो अगर यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए ना। फिर फॉल्स ही है ये। अच्छा ओके ओके सर। और थर्ड वाले में बेटा उन्होंने लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2, बी लिखा है बच्चे 3 4, बी ये लिखा है, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखो बी बी सेट और एक फाइव एम्प्टी सेट है, दोनों में को कौन सा कॉमन है ये बताओ, क्या कॉमन है? नथिंग कुछ भी नहीं सर। नथिंग मतलब नल फाइव, फाइव है ना, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? फाइव। और ए इंटू फाइव ऑर्डर पेयर क्या होगा? फाइव होगा ना, एम्प्टी सेट। रिमार्क में हमने रीड किया था, याद करो। सेकेंड वाला, ए इंटू बी इज फाइव व्हेन वन और बोथ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। ए एंड बी का मतलब यहाँ पे, अब ये बी सेट मतलब ये पूरा का पूरा बी लेना है, इसका क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही होता है ना, फाइव है ना, ए एंड फाइव का ऑर्डर पेयर फाइव होगा, समझ गए बच्चे? बोलो हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट सम जिया के सर बाद। हाँ, मुझे ना ये बोलो, वाला फाइव चीज अच्छे से समझ में नहीं आती सर। लास्ट ले चैप्टर में ले मुझे ले वो ले मेरे मिस बच्चे, ले एक मिनट, ये मैंने एलिमेंट ले लिए, बी सेट एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे ये बता अब 1 5 होगा सेट में, बोलो सर ऑर्डर पेयर अभी ये दोनों बनेगा, साइड। इक्वल है बट बी के भी कोई कोई ना कोई एलिमेंट है। चलो यहाँ पे उन्होंने 2 3 दे दिया, दे दिया उन्होंने, ए इंटू तो बी तो नहीं पूछा ना हमसे, ए इंटू बी होता तो ये 1 2, 1 3, 2 2, 2 3, 3 2, 3 3, ये आते ना एलिमेंट्स बच्चे, आते ना। हाँ जी हाँ बट जी उन्होंने क्या पूछा है? पहले बी इंटरसेक्शन फाइव निकाल, बी सेट ओनली, ए का कोई पंगा नहीं है, सिर्फ ये निकाल, ये किसके इक्वल होगा? सर। बी इंटरसेक्शन फाइव मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए सर। फाइव और बी सेट में तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है। फाई आएगा ना, यस फाई सर। आएगा कि नहीं आएगा? अब ए सेट यस उन्होंने पूछा है ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव पूछा है बेटा, ये चीज पूछी है उन्होंने, समझे? बी इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई? फाइव आ गई ना, तो मतलब ए इंटू फाइव हो गया ना। अब ए के एलिमेंट ये है मान लो, और बी ए बी इंटरसेक्शन बी क्या है? फाइव है, इन दोनों का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? फाइव बनेगा ना, कोई एलिमेंट सर कॉमन ही नहीं है, इंटू मतलब। फाइव सर। फाइव हाँ सर ये ए एम्प्टी इंटू सेट, फाइव ये बोला फाइव फाइव इसकी वैल्यू है ना बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? फाइव आपने। आ रही है ना, तो हाँ मल्टीप्लाई जी मतलब ऑर्डर पेयर क्या बनाएगी तू? ए के एलिमेंट चलो मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 फिर से लिख देता हूँ, और ए इंटरसेक्शन फाइव के एलिमेंट क्या है? फाइव है। अब इनका ऑर्डर पेयर बना क्या बनाएगी बताओ, क्या
आएगा पहला? फाइव 1.5 सेट नहीं है, फाइव को जैसा एम्प्टी सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या ऑर्डर वन पेयर बनेगा? बनेगा ही नहीं, वो जीरो नहीं लिखना, कहीं जीरो लिख दो, समझे? यस सर। नेक्स्ट सम 12th, 12th सम जिया के बाद हमारी सुरीली, सर मैं कहाँ गया? तू था ही नहीं, सर मैं तो कब का इधर ही हूँ। तू ऊपर आ गया ना, कोई बात नहीं। सर सुरीली मैं कहाँ? सर मैं इधर ही हूँ। चल मनमोहे, तू बता दे, तेरे से पूछने का मन तो करता नहीं, एक नंबर जानबूझ के छोड़ के आया तू। सर अब भी आपको समझ नहीं आया सर, सेट भी आता दूर, कोई समझ नहीं आया चैप्टर। सब आ जाएंगे, बोरिंग चैप्टर है ये, सेट टेंस ये ना यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे करवाते हैं, एग्जाम से पहले, बस ये लगा लो कि 4 दिन पहले। ए यस कोई बात नहीं, 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगी बेटा। -1, 0, 1, 2, 3, राइट द सबसेट एस, एस लिखना है ऑफ ए इंटू ए, सबसेट एस ए इंटू ए सच दैट द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज जीरो, कि सेकेंड एलिमेंट है जो वो जीरो हो। सर -1, 0 क्या क्या क्या? सर -1 और 0 क्या आएंगे? सर, एस इज इक्वल जीरो आना टू, चाहिए ना प्रोडक्ट, सेकंड हाँ मतलब एलिमेंट 0 आना चाहिए। तो सर माइनस वन हाँ जीरो सर हाँ 1, 0 जीरो जीरो नहीं सर फिर आएगा, 2, 0, 0 सर फिर टू हाँ जीरो 1, 0 हाँ सर सर फिर 1, 0 फिर एक टू मिनट, जीरो फिर 3, 0 हाँ बस हो गया। हाँ जी बेटा, यस तो सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया -1, -1 नहीं होगा। बेटा, सेकंड एलिमेंट जीरो होना चाहिए ना, सेकंड सेकंड पोजीशन पे जीरो अच्छा आना चाहिए, अच्छा ओके सर। समझ गए? आया समझ कि नहीं आया? यस आ सर 13th वाला सम पद्मनी, यस सर ओनली ए इंटू बी दिया हुआ है हमें, क्या सेट दिया है? -1, 1 कॉमा -1, 2, सबसे इजी वाला सम है, अगर ये ना बता पाई ना मुझे बेंगलोर आना पड़ जाएगा। सर ओके सर कहते ए एंड बी फाइंड करो, ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए सेट क्या होगा? सर सर अरे बहुत नजर आए बोल बोल पद्मनी, सर बोलो, कुछ भी नहीं है। हाँ सर -1, 2, 3 -1, 2 एंड 3 थ्री नोड एंड बी सेट, पे सर बी सेट 1 एंड 2 देख लो। पद्मनी चाहती है कि सर ना आए बेंगलोर मेरे पास। सर अगर मैं चल नहीं सर आऊंगा, कोई बात नहीं पद्मनी, नहीं आऊंगा तेरे पास। हाई मुझे गलत बोलना था सर इफ्रा, ये तो गलत बात है चल कोई बात नहीं, आ जाएंगे सर तेरे पास। हाँ जी बेटा, ये आपने क्या किया 13 सर हमेशा पहली पोजीशन पे किसका एलिमेंट आता है? ए का, और दूसरी पोजीशन पे सर बी का। -1, 1 -1, 2 तो समझ -1 गई सिंगल, ऐसे 2 और 3 आ रहे हैं पहली पोजीशन पे, तो सिंगल सिंगल टाइम ही होते हैं, डबल टाइम सेट के अंदर तो हम 2 टाइम लिखते नहीं ना। अच्छा सर तेरे को समझ भी आती है, चलो शुक्र है, समझ गई। इसके बाद बेटा 14th सम,
यस सर। ए में गिवन है बेटा एक्स वाई जेड एंड सम एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी आर, ए इंटू बी के सम एलिमेंट्स मतलब कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक्स वन वाई टू एंड जेड वन, ये दिए हैं। देन यस राइट सर। द सेट बी सच दैट एन ए इंटू बी भी दिया हुआ है हमें सिक्स, तो उस बी सेट लिखना है। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1,2। पक्का 1,2 यस सर। देख लो। देखो 1 एंड 2। इसमें एक मिनट बेटा, हाँ सही है ऐसे ही आएगा। यस सर। याद चेक देखो एन ए कितना है, थ्री एलिमेंट दिए हुए हैं ना हमें, और टोटल दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 है, मतलब अगर एन बी 2 होगा मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 होगी, क्योंकि एन ए तो 3 गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2 और सेकंड पोजीशन पे 1 भी आ रहा है 2 आ रहा है, तो 1 एंड 2। बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, बी सेट क्या होगा, 1 2 होगा। एक सेकंड बेटा ये समझ आ गया बेटा ऑल ऑफ यू समझ आ गया? यस सर। इतने निकम्मे क्यों हो गए सारे, बोलते ही नहीं है। पता नहीं। यस सर। हाँ तोशी, यस सर। 15 सम भी तू बताएगी? ओके सर। अरे पूछना तो नहीं चाहिए तेरे से, पर तेरे पे तरस आ जाता है। सर हम पे भी खा लिया करो थोड़ा सा। तेरे पे तो हमेशा ही कृपा है मेरी। यस ये दिया है बेटा एक्स वन वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री वाई वन एक्स टू, देन बी इंटू ए लिखना है। सर। तो सर सबसे पहले एक ए के एलिमेंट एलिमेंट्स x,y। पक्का, क्योंकि यस सर। पहली इक्वेशन पे एक्स आ रहा है वाई आ रहा है एक्स आ रहा है वाई आ रहा है एक्स एक्स वाई आ रहा है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे इसको पहली पोजिशन पे लिख दो, बट ऑर्डर पेयर में हमेशा पहली पोजिशन पे एक्स, बी के एलिमेंट्स 1,2,3। यस। तो यस उन्होंने बी इंटू ए बोला है, यस सर। 1,x, 1,y, 2,x, 2,y, 3,x, 3,y। नहीं तेरी मेरे साथ कोई दुश्मनी है तोशी? नो सर। दुश्मनी लग रही है मेरे को है तोशी, नो यहां तू मेरे को सारा कुछ सही बता देती है, मार्क्स कहाँ कटवा के आई थी वहां पे है? सर। वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो गया? चल आगे से नहीं करनी, ओके सर। कैलकुलेशन ही छोड़ देना ठीक हाँ जी। पद्मिनी बच्चे सर कैलकुलेशन हाँ जी बता। एरर करके आए। हम कैलकुलेटर के साथ भी कैलकुलेशन एरर करके आए। चलो कोई बात नहीं, इस बार को छोड़ दे, इस बार तो मैंने तेरे को पहले ही बोला था ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। जोड़ दिया सर। हाँ जी ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 5 7 9, तो फाइंड ए इंटू बी बी इंटू ए, ये तो पद्मनी यस सर। यस तेरे को आते ही है ना, ए इंटू बी क्या होगा, 1 इनटू 5। 1 इंटू 5 शाबाश सॉरी 1,5, 1, 7, सेवन वन 1,7, 1,9, नाइन 2,5, 2,7, 2,9,
3 5 3 7 3 9 4 5 4 7 4 9। या ठीक है, एन टू यस बी। मैम। ऐसे बच्चे बी बी इंटू ए इंटू ए भी फाइंड हो जाएगा। इज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए? फॉल्स, नहीं, नो नो। सर। देन एन ए इंटू बी इज इक्वल टू एन बी इंटू ए? यस, ये करेक्ट है, समझे? यस सर। 17th, स्तुति कहाँ भाग गई? स्तुति आई तो थी ना। स्तुति यस सर। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। वेरीफाई दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो यहां तो सारे फाइंड करने पड़ेंगे। 17th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले मैं लिख देता हूं, ए क्या दिया है 1 2, बी में हमें क्या दिए हैं 1 2 3 4, सी में हमें क्या दिए 5 6, डी में हमें क्या दिया है 5 6 7 8। तो पहला पार्ट, जो चीज प्रूव करनी है मैं वो लिख रहा हूं बेटा, ए यस सर। इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ये करना था। बताइए क्या करें हम? सो पहले ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख लेंगे सर। फिर बी इंटरसेक्शन सी में वो नल अरेसर क्या बोलते हैं सर उसे, तो क्या बोलना है उसको? फाइव सॉरी सर, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो इसमें बच्चे जो गिवन है वो लिख दिया। सबसे पहले ये चीज बी इंटरसेक्शन सी निकालो। हाँ सर जी, फाइव क्यों? सर, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। तो कर्ली ब्रैकेट नहीं डालना। अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 डालते हैं तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहता। यस अभी ये क्या सर। है? एम्प्टी सेट है। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा? नल सेट। एम्प्टी सेट 5 आ जाएगा ना, यस मतलब सर। इतना पार्ट हमने कर लिया। नाउ एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है। मल्टीप्लाई नहीं, ये तो बच्चे ऑर्डर्ड पेयर है ना। ओके सर। क्या था, क्या बोलते थे इसको, ए इंटू बी को सर ए इनटू बी को कार्टेशियन सर। प्रोडक्ट। यस सर। हाँ जी, ये एम्प्टी है ना बेटा, एम्प्टी को किसी भी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो एम्प्टी सेट ही आएगा। अब फाइव ए इंटू बी अलग से फाइंड करो, ए इंटू सी अलग से फाइंड करो। ए इंटू बी में बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 यस टू टू सर। टू 3 2 4, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आ गया। ए इंटू सी में ये ए ये रहा, सी ये रहा, 1 5 1 6 2 5 2 6, यही होंगे 1 5 1 6 2 5 2 6, ये आ गया। बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कॉमन। ये क्या आएगा जल्दी बताइए?
फाइव। वन वन नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है इसमें, 1 4 नहीं है, 2 मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा। देयरफॉर ये इसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड एलेवन साइड के एच इक्वल आ इज इक्वल जाएगी, टू आर एच। इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी हो जाएगा। एक्सक्यूज मी समझ आ सर, गया? हाँ जी। जब हमने ऊपर निकाला है ए इंटू फाइव मतलब बी इंटरसेक्शन सी, सर उस टाइम पे, सर उस टाइम पे सर हमें पता ही है कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो हम सीधा ही फाइव नहीं लिख सकते। तो सीधे ही फाइल लिखा है। नहीं सर, मतलब ये जो आपने इतना सारा वो तामझाम किया नाओ के बाद सर, वो मतलब दूसरी राइट साइड है वो ना, वो राइट हैंड साइड है ना, प्रूव करना है सर, बच्चे, वो हमें दोनों। प्रूव हाँ करना है ना बच्चे, जी, तो मतलब सर फाइंड ही करना जैसे था हमने, ये नहीं था कि ये इसके इक्वल दिया है, फाइंड करो इसको, इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको अलग से फाइंड किया, इसको अलग से फाइंड किया बेटा, इसको 5 कैसे लिख देगी तू सीधा बताओ, ये कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है? इसके नहीं सर बाद ठीक है। देखा ना कि कोई भी एलिमेंट 1 1 नहीं है इसमें, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 कोई भी नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी हुआ। इंटरसेक्शन कॉमन, इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है, समझे मोटी? यस हाँ जी मनमोहित जी, सर, यस सर, सेकेंड पार्ट में बोला है ए इंटू सी इज ए सबसेट ऑफ बी इंटू डी, ए इंटू सी तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं ना। यस सर, दूसरा है बेटा इसके साथ बी इंटू डी, बी इंटू डी सर निकाल वन लोगे, कोमा फाइव, यस सर, 1.5, 2.5, ओके 2.5 फाइव इसमें भी फाइव, था, ए इंटू सी यस में भी था, 1 इंटू 1.5 ये भी आ गया, बस सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना, यस सर, वैसे ही शो करना है, उसके बाद लिख देना यस इट इज अ सबसेट, ऑल यस मेंबर ऑफ सर, सेट ए इंटू सी, ए इंटू सी के जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो बी इंटू डी में हैं, ठीक है, यस सर, बस सबसेट हो जाएगा, कर लोगे सर ना, वैसे मुझे क्या था। तू समझ गया था? यस सर, अच्छा समझता भी है, ओहो यस सर, समझता मैं। हाँ। मोटी जिया, को बोल रहे हो सर? जिया को समझ गई तू पहले ही? सर हाँ जी सर, हाँ मोटी, ए सेट ये दिया है, बी सेट हमें दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल एंड एक्स जो है 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, सी सेट जो दिया है वो हमें दिया है 3.5। फाइंड, पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, पहले तो ए के एलिमेंट लिखो क्या आएंगे। हाँ जी जिया, अच्छा 01 सर, तेरे को पता है, तेरे 01 को पता है, और बी हाँ जी सर, के सर 2 3 4 है जिया में दिमाग, तो नाउ बी इंटरसेक्शन सी बेटा पहले फाइंड करना पड़ेगा क्या आएगा, 3 ओनली 3। अब उन्होंने ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, ए में ये 0 1 है और यहां पे 3 है, तो क्या आएंगे, जीरो 3 1 3 ऐसे एरो मत लगा देना वहां पे, सारे हो जाएंगे, दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। तो हाँ
ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ कि मतलब 1 3 कैसे आ गया? एक एलिमेंट क्या है? 0 1 है। यस सर। बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट क्या है? सर 3 है। सर 3। यस सर। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, पहला एलिमेंट उठाया इसका, यहाँ पे कितना एक ही एलिमेंट है? 0 3। फिर यस सर। दूसरा उठाया 1 3। ओके ओके बस सर। आ गया समझ? यस सर। नाउ किससे पूछा था मैंने? जिया से। हाँ बच्चे, मैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम बेफालतू में। ये भी सेम, वैसे भी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे, फिर ए इंटू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे स्तुति कौन कौन से एलिमेंट होंगे ए में? ए में कौन से होंगे बेटा? सर मैं बताऊं? स्तुति। यस सर। मेरा सिर तो कहाँ खो जाती है? सर आप मुझसे बोल रहे थे, मैंने नहीं सुना था सर। वही कह रहा हूँ, तू कहाँ खो जाती है? चलो यहाँ देखो बेटा, इधर गया। हाँ 3 से लेस और इक्वल कौन से नेचुरल नंबर हैं? थ्री सो 1 एंड 2 थ्री। नहीं है। सो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे कौन से आएंगे? एक्स बिलोंग टू सो इंटीजर। सो -1 0 1 एंड 1 सी दिया हुआ है। लेफ्ट साइड राइट साइड उठा के कर लोगे सॉल्व? पी यस सो 1 2 फॉर्म द सेट पी इंटू पी इंटू पी, ये कैसे करेंगे? सर पहले अच्छा हम पी पी को कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई की। पक्का? हाँ जी सर। सर हाँ नहीं बेटा, आज क्लास कब तक है? सर ले लेते हैं जब तक ये एक्सरसाइज नहीं होती, 6 मिनट 5 मिनट और फोर लग, बस 5 मिनट लगेंगे बच्चे। छोड़ के बच चली जाना, तू ना हमेशा नो ऐसी पूछती सर। होती है, ये पूछती है सर क्लास कितनी, मैं बोल देता हूँ आधा घंटा, तभी पता चलता है इफ्रा गायब, सर उस दिन तभी लाइक पता। नहीं था, मैंने बताया था। यस तो बाद में बताया था ना सर। इसमें बच्चे, जैसे 2 आते थे ना, अब 3 आएंगे, मतलब पी को 3 बार लिख, समझे? तो क्या आएंगे? 1 1 1 ऐसे, समझे बच्चे? ये यस सर। कौन जिया बोल रही थी ना कि नहीं इसको ऐसे 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 कर लो, है ना? सर बस एक ही एलिमेंट लिखना है, हाँ जी, सर बस एक ही तीनों एलिमेंट तीनों लिखना है कि आगे भी लिखना है? सर आएंगे बेटा। फिर आगे दूसरा देखो क्या आएगा। 1 1 2 टू 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 1 मिनट है, पहले 1 1 1 फिर वन सर वन 1 2 1 टू 1 2 1 जिया, फिर और कोई बचा 1 2 के साथ? 1 के साथ इसका 1 उठाया था, सर 1 भी हो गया, 1 1 1 भी हो गया, 1 2 2 ये टू भी वन आएगा वन ना, सर फिर 2 से स्टार्ट हो जाओ। अब लिख लोगे? सर हाँ आपने 1 2 1 कैसे लिखा? 1 2 1 1 2 1 देखो तो बच्चे, ये कैसे लिया आपने? सर तीन ये एलिमेंट है ना तो बच्चे, 3 है ना, सर तो 1 को 1 1 तीनों के फर्स्ट आ गए, पहले सर फिर का 1 2 2 फर्स्ट आ गया। 1 नहीं आएगा, पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, ये भी यस सर फिर तो वो फिर यस सर
वन लेट्स सी, वन टू आ वन वन टू, ये आ गया 1 2 1। सर पर टू तो फिर सेकंड ऑर्डर का हो जा रहा है ना, और वन फिर फर्स्ट पी इंटू ऑर्डर पी करना, का। पी इंटू पी इंटू पी है ना बेटा, सर यहाँ इसके तीन ऊपर लिखने हैं वोकल्स ना, नहीं है। दो नहीं लिखने ना। एक काम करो, नहीं समझ आता ना, पी इंटू पी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। यस सर, इफ वन 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 यस सर, टू 1 2, 2 1, टू टू टू, वन टू टू, ये पी इंटू पी हो गया। अब पी यस मैं फिर सर, से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आया 1 2 है ना। यस सर, अब वन बस पी इंटू पी में क्या होगा, वन 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 वन, वन 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 टू वन वन, हाँ वन वन टू, वन वन टू, यस फिर अब इसका सेकंड उठा लो, 1 2 1 वन टू वन टू, टू टू, टू फिर ये थर्ड उठा लो। वन वन, समझ गए अब तो, ओके टू सर। वन टू, फिर सर ये मेरे उठा वाली लो। ट्रिक का ही है। तेरे वाली तो आई है, मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा था पर इफ्रा कहती नहीं करना सीधा, तो चलो हो सर गया कि मेरे नहीं ना हुआ। स्कूल में करवाया था ना सर ने, तो उस टाइम समझ ही नहीं आया था, तो मुझे पता है कि हमने फिर ऐसे किया था स्कूल में भी। ऐसे होते हैं। अब इसके बाद स्तुति शिष्यत्व, चौरसिया जी यस सर, जिंदा हो। आखिर बच्चे अपने आप करोगे 21 एंड 22, मैं नहीं करवा रहा, कुछ नहीं है, यस सर, ट्वेंटी ए सेट टू दिया हुआ है, 22 क्वेश्चंस हैं, 24 कैसे लिख दूं। एंड रिमेनिंग ऑर्डर। ओए 24 कहाँ से आ गया तेरे पास, किसने बोला था 24, सर मैंने तो नहीं बोला। नहीं लड़की ने बोला था तेरी, तू तो लड़की नहीं है। सर जिया मैंने 22 बोला। 24 बोला था, झूठ मत बोल। सर नहीं, सच्ची में 22। हाँ चलो, ए के दिए हुए अच्छे, ए इंटू बी कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, वही सेम पहले भी किया था हमने, बी सम एलिमेंट ऑफ ए। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है सर बताइए। उसकी लास्ट लाइन है ना, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए इंटू बी सच दैट ए इंटू बी इज लीस्ट, लीस्ट आ गया ना वर्ड थ्रू। फिर क्या हो गया, लिस्ट आ गया तो जो बी के एलिमेंट हैं दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट क्या होंगे, ए बी सी ही होंगे ना, लीस्ट का मतलब बताओ, हम ए बी तो ले नहीं सकते, किसी छोड़ दें या ए को छोड़ दें, तीनों ही आएंगे ना, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोला उन्होंने और कुछ नहीं। समझ गए, अब यस सर, ओके सर, रिमेनिंग क्या होंगे, ये तीन आ गए ना, ए टू आ चुका है, ए थ्री होगा, ए फाइव होगा, फिर बी टू बी फाइव होगा, सी के साथ सी टू सी थ्री होगा, रिमेनिंग एलिमेंट वो आ जाएंगे। ओके बहुत है आज के लिए, यस सर, यस सर। आगे अभी ये तो मैंने पहले ही बोला था बहुत ज्यादा इजी है, आगे हमारे दिमाग खराब करेंगे अगले वाले सम जो आगे, यस ठीक है। सर, ओके सर, बाय चलो 10 बज जाते हैं तो सर, ना उबासी आनी शुरू हो बाय जाती है। सर, बाय ओए अंशिका, सर, अंशिका कहाँ गई, अंशिका भाग गई, कोई बात नहीं, ये भी ना तोशी का जूठा खा लिया लगता है इसने।